हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरी मम्मी उठ चुकी है 4 बजे। मुझको भी उठा दिया था 6 बजे, मैं तो उठा नहीं हूँ, अलग बात है। आज है मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम एंड दिस इज माय पुष्पा। पुष्पा प्लीज ब्लेस मी, आई मीन मुझे बधाई दे दो कि आज मेरा एग्ज़ाम है। अभी एक्चुअली में जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, सो फटाफट चलते हैं, उसके बाद आके बहुत सारा काम करना, फिर इसके स्कूल जाना है। बोलो बोलो, बेस्ट ऑफ प्लस। सेम टू यू, बेस्ट ऑफ प्लस टू मी यू। गाइस, अभी मैं नहा के आ चुका हूँ, अभी स्कूल के लिए तैयार होना है। अभी बज रहे हैं वैसे 7:30 हो रहा है, हमें जाना है स्कूल में। मैं 8 बजे चले जाऊँगा, उसके बाद थोड़ी देर स्कूल में बैठेंगे, टीचर से बोलेंगे, मतलब बातचीत करेंगे थोड़ी, लेकिन स्कूल का ब्लॉग आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मुझे स्कूल में ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है। मुझे नहीं है, सिर्फ मुझे तो स्कूल के ड्रेस में भी ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन चुपके से बनाएंगे और डालेंगे इस वीडियो को बाद में, एग्जाम के बहुत दिन बाद, वरना टीचर मेरी चमड़ी निकाल देंगे। ओके, अभी तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे। गाइस, अभी हमारा एग्जाम है और अभी मैं हूँ अपने फ्रेंड के वहाँ, ये मैं हूँ, ये दोस्त है, एक दोस्त अंदर आ रहा है, हम पूरी गैंग ही जा रही है, मतलब पूरी आधी से ज़्यादा आधी क्लास ही हमारी यहाँ जा रही है, क्योंकि पहला पेपर है। बस में बनानी नहीं है, एक तो बस में ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है, ये भी एक मेन रीज़न है कि मैं बाइक से जा रहा हूँ। अब आपको सब कुछ बताना होगा ना कि बोर्ड एग्ज़ाम है यार, पहली बार तो कैसा। एक्चुअली ना अभी का सीन कुछ ऐसा हुआ, अभी हम पहुंच गए थे यहाँ से करीबन BLM स्कूल पहुंच गए थे, 10-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम गए थे। फिर इसको याद आया कि ये अपना एडमिट कार्ड घर में, मतलब आईडी कार्ड घर में भूल गया, उसके बिना इसको एंट्री मिलेगी नहीं। सारे दोस्त चले गए, गाइस लेट हो रहा है, करीबन हमारे पास ओनली 20 मिनट्स हैं, और इतने में अगर हम नहीं पहुँचे गाइस गेट बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक्चुअली ट्रेन आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ है, इसके बाद फटाफट चलते हैं, अगर वो एग्ज़ाम ना छूट जाए, बहुत टेंशन है। दीपक को पता है इतना गंदा पोपट हुआ है, इतना गंदा कटाना है इसका, ऐसा क्या क्या कहना चाहूँगी। गाइस, दीपक गया है घर और अभी मेरा एग्ज़ाम है, लगा लो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है, 10th क्लास के लिए, और मैं यहाँ पे बैठ के जूस पी रहा हूँ, कितना मिराकल है ना। आप बड़े हंस रहे हो, मुझे पता है अंदर से बड़ी टेंशन है, कैसे होगा, पहली बात तो कुछ पढ़ा नहीं है, दूसरी बात एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है। गाइस, 9:30 हो चुका है, 9:30 हमें वहाँ 9:30 से पहले पहुँचना था, इट्स लेट, मतलब 10:30 से पहले पहुँचना था, लेट हो रहा है, सो इट्स वेरी। बट गाइस, अभी दीपक गया है घर अपना आईडी कार्ड लेने के लिए, अब वो आता है, उसके बाद हम इधर से ही चलते हैं। अम्मा, मैं आ गया। मैं आ गया। पेपर छूट, थोड़े सवाल छूट गए, बाकी पूरा ही किया है। मिलान कैसे करेगा फिर? मिलान करूँ? अब मिलान करके बताओ फायदा क्या है, जो होना था हो गया, मार्क्स कम ज्यादा तो होनी चाहिए। अम्मा, उम्मीद है नहीं। हाँ, उम्मीद है नहीं पास होने की। हाँ। अम्मा कैसी बात कर रही है, तुम तो बेइज्जती कर रही यार मेरी, खड़े खड़े पास हो जाऊंगा, टेंशन ना लो, 30-40% आ जाएंगे। आ गया, कैसी हो? चलो ठीक है, अब खाना खा लो। कैसा गया पेपर? खाने की पहले पेपर की तो कुछ टेंशन ही नहीं है। पेपर कैसा गया? पेपर फेल। पास। अरे पता नहीं क्या हो गया, दर्द हो रहा है आँख में। गाइस, अभी नहा के आते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। इसके भी पेपर हैं अगले महीने से, क्या देख रही है गोपी बहू। गाइस, आज हम खाएंगे दूध और चीनी। गाइस, आज हम खाएंगे दूध, भात और चीनी। गाइस, पता है मुझको ना दूध पीने का इतना शौक है, लेकिन जब से यहाँ आए पेट भर के मुझे दूध मिल ही नहीं रहा है। अभी एक्चुअली पापा जी घर में नहीं है, मम्मी जी और मैं, और आज सुबह था क्या हुआ, हम स्कूल तक पहुँच गए, यहाँ से करीबन स्कूल की दूरी होगी करीबन 6-7 किलोमीटर होगी ना, मे बी 10-15, आई डोंट नो, मतलब दूरी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पहुँच गए। उसके जंगलों के बीच से वापस दीपक यहाँ आया, तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ। क्या हुआ पता है, आईडी कार्ड होता है वो लाना भूल गया हो। अब मैंने कहा बोलना पड़ता है थोड़ा सा फोर्स लाने के, जंगल तो ठहरे ही वहाँ, तो क्या हुआ वो आईडी कार्ड भूल गया, फिर वहाँ से वापस यहाँ आए। उसके बाद यहाँ लगा हुआ था बैरियर,
ट्रेन आई नहीं थी, आई नहीं थी। हमने कहा कब आएगी, अगर पेपर छूट गया बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि करीबन हमारे पास टाइम बचा हुआ था आधे घंटे का। अब इतना दूर है, हमने कहा पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। उसके बाद दीपक ने भगाई 90 की स्पीड में, फिर वापस गए। तब तक बीच में मैंने थोड़ा सा सिप लेकर निकलने का जूस पी लिया। आए बस अभी जूस में थोड़ा लेट के उठाऊँ, और अम्मा यहाँ पे खा रही है तरबूजा, मैं काट देता हूँ। रुको, इतना लाल तरबूजा मैंने कभी नहीं देखा, मज़ा आ गया इसमें। यू वॉन्ट टू ईट वो क्या हो गया, डॉक्टर के पास चलना है? कब चले? 4 बजने में 10 मिनट। चलो, एक तो हमारे पास फ्रिज नहीं है, उसकी वजह से ये ठंडा नहीं होता है। नहीं चाहिए फ्रिज में, रखे कौन खाएगा, बीमारी का। ऐसा नहीं है, जैसा भी है अभी डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, देन आने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस ये है हमारी पुष्पा, जो आज सुबह से घर में नहीं आई है। अभी देखो, अभी जस्ट वहाँ से इसने एंट्री लिया और सीधे किचन में आई, जहाँ पे मैं बना रहा था चाय। सो अभी ये पिएगी आते ही, और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। हमारी नहीं, मतलब मैं तो पीता नहीं हूँ, मेरा तो फेवरेट दूध ही था, अब जो कि बहुत कम बचा हुआ है। अब मैं पीऊँगा तो सारा ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ चाय पीते हैं, मैं नहीं सब लोग, एंड फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। महारानी साहब के लिए चाय हाजिर है, यू कैन टेक इट। अम्मा सबसे कम वाली चाय क्यों उठाती है बताने, चीनी है आज चाय पीने वाली हूँ। कम वाली चाहिए ज़्यादा वाली पहले वो बताइए, नीचे रख दे। इतने गुस्से में काहे रहती है, अब दोबारा वो लेगी, यहाँ देखना नीचे रख दे। चाय ले लो चाय। हैं मम्मी को पता है पापा क्या बोलते हैं? मम्मी को अगर एक तरफ मिले मेडल्स वो भी गोल्ड का, और दूसरी तरफ मिले 1,000 लीटर चाय, क्या चूज करोगी? चाय पीऊंगी। देखा, मुझे पता था। मतलब जितनी भी चीनी डालो कम पड़ी जाती है, पता नहीं मेरे हाथ से इसमें ऐसा क्या जादू है कि बंदे शुगर फ्री जो भी हो इधर आके चाय पी सकते हैं। गाइस आज पहली बार दवाई खा रहा हूँ। किस चीज़ की? सर्दी जुकाम की दवाई, सिर्फ मम्मी के कहने पर। मम्मी दवाई खाने से शरीर खराब होता है। बाप रे, हेलो, यहाँ पर ये बराई जा रही है आटा गुदरी, एंड आई एम ईटिंग दवाई। गाइस दवाई पता नहीं कब खाई थी, जब मैं छोटा था तब खाई थी, उसके बाद मैंने कभी दवाई को हाथ तक नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये है अभी इसने यहाँ पे आटा गुदा, अब इधर ही ये इसकी ऊनी बना के इधर ही बेलेगी किचन में। अच्छा, बेलेगी उधर ही, यहाँ पे क्यों बेल लिया? अब किचन में तो पंखा है नहीं, पंखा इधर ही है, तो इसलिए यहाँ बना रही है। मतलब ऐसा है कि गर्मी से बचाओ, ताकि बता दूं क्या, ताकि नहाना ना पड़े बाद में अगर पसीना हो जाए। सेव वाटर, नाइस। और पीछे दिया जला दिया छोटा सा, अरे कुछ भी किया। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे थे, और यहाँ पे एक अलग से सेपरेट मंदिर भी नहीं था, जैसे हमारे पहले वाले घर में था, यहाँ भी वैसी है। उसकी वजह से हमने नीचे भी मंदिर बना लिया, मे बी फ्यूचर अच्छा जाए, लेट्स सी। तब तक के लिए बाय। और जो आज का एग्ज़ाम था ना गाइस, वो लिटरली बहुत, मतलब इतनी भीड़ थी, मैंने मतलब अब पहली बार दिया एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम है, पहली बार ही तो दूंगा, भगवान ना करे कि मुझे दूसरी बार भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़े। ऐसा नहीं होगा, मैं पास ही जाऊँगा, डोंट टेंस अबाउट इट। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग कैनिंग करते हैं, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।